Hello students, welcome to the another class of biology in which we will study the chapter number 1, the living world. Biology. What do you mean by biology? The term biology is derived from the Greek word bios means life. Bios ka matlab kya hota hai? Life. Theek hai? Aur logia means study. So study of life is called biology. The biology is the study of life and living organism. ठीक है, biology ऐसी मतलब branch है, ठीक है, science की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, life और living organism के बारे में पढ़ते हैं. Life, अब life क्या होता है, ठीक है, तो life term का क्या मतलब है? Life can be defined as the property or quality of the living organism that distinguish from dead or non-living in some functions like, ठीक है, जैसे हम life की अगर बात कर रहे हैं तो living organisms की बात करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर life हम देख पाते हैं, ठीक है, तो ऐसी properties या ऐसी qualities जो living organisms के अंदर है और वो किससे different है, non-living organisms से different है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, life. अब वो कौन कौन से difference है non-living में से, तो जैसे लिविंग जो होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट हो गया है ना, ग्रो करेगा, ठीक है, एनिमल है वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. जब उनका बर्थ होता है तो बहुत टाइनी से होते हैं ना, और धीरे धीरे ग्रोथ करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एक टाइम बाद में क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है. तो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. अगर हम किसी लिविंग को स्टिमुली देंगे तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करेगा, बट नॉन लिविंग नहीं कर सकता, ठीक है. रिप्रोडक्शन है कि अपने से सिमिलर कोई भी स्पीशीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. अब ग्रोथ की बात करते हैं हम डिटेल में. ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. इंक्रीज इन मास एंड नंबर्स, ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या है, जब वो मास में इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर्स के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन इट्स सरफेस. नॉन लिविंग भी साइज में ग्रो कर सकते हैं, अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करें, अक्यूमुलेट करें, तो वो साइज में ग्रो कर सकते हैं. बट नॉन जो लिविंग होते हैं वो खुद मतलब डिविजन करके, सेल डिविजन करके, सेल ग्रोथ करके, मास और नंबर्स के अंदर इंक्रीज होते हैं, वो ग्रोथ शो करते हैं. ग्रोथ इज इन द लिविंग बींग टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस, जैसे सेल डिविजन जो मैंने आपको अभी बताया. प्लांट शो कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जब तक प्लांट जो होते हैं, जब तक लिविंग होते हैं ना, लाइव होंगे, डेड नहीं होंगे, तब तक क्या करेंगे, ग्रोथ शो करते रहेंगे. थ्रू आउट देयर लाइफ दे शो ग्रोथ, ठीक है. वाइल एनिमल शो ग्रोथ अप टू द सर्टेन एज, जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ की बात करें, तो प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ शो करता है, बट एनिमल्स जो होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रोथ शो करते हैं. रिप्रोडक्शन की बात करें, ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब खुद के जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं लिविंग बींग्स, तो उसको अपन बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय कंटिन्यूइंग द लीनियज ऑफ स्पीशीज. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम बाद क्या होगा, जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो स्पीशीज को कंटिन्यूस नेचर के अंदर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड है टू गिव राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि सिंगल पेरेंट राइज करता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट जो होगा प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑफस्प्रिंग को, तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब देखो, तो हम फंगई के अंदर बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो फंगई रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू फंगई रिप्रोडक्शन करता है असेक्सुअली. ईस्ट एंड हाइड्रा बाय बडिंग,
ठीक है, बडिंग का प्रोसेस करके हाइड्रा और ईस्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी किसका पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म बाय द रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन आपने देखा होगा जैसे हम लोग प्लेनेरिया के अंदर देखते हैं, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा रिप्रोडक्शन बाय द सिनोनिमस विथ द ग्रोथ, दैट मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके और वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अमीबा के अंदर आपने देखा होगा बाइनरी फिशन, है ना, टू हाफ में डिवाइड हो जाते हैं और दोनों हाफ क्या आते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होंगे वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, ब्रेक डाउन किए जाते हैं, तो उसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस साइजेस एंड फंक्शंस, ठीक है। आपको पता है कि सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, ठीक है, शेप्स के हो सकते हैं, फंक्शंस इनका अलग अलग हो सकता है। जैसे आप बात करते हैं ना प्रोटीन की, डीएनए की, आरएनए हो गया, है ना, ये सारे हो गए, तो ये सारे क्या है, कंपाउंड्स हैं जिनसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके बने हुए हैं, ठीक है। द केमिकल विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कभी आप नहीं देखेंगे कि नॉन लिविंग कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मेटाबॉलिज्म शो कर रही है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, अब मैंने आपको बताया कि अगर हम स्टिमुली दे रहे हैं किसी को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या शो कर रही है, रिस्पॉन्स शो कर रही है उसके अगेंस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट, ठीक है, जैसा भी सराउंडिंग होता है या एनवायरमेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है। रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब ऐसा है कि एनवायरमेंट में किसी तरह का भी चेंज हुआ है, जैसे टेम्परेचर के अंदर चेंज हुआ, ह्यूमिडिटी के अंदर चेंज हुआ, या और भी कोई किसी तरीके का हमने चेंज देखा है, उसके अगेंस्ट एनिमल किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं कि रिस्पॉन्स दे रहा है वो स्टिमुली के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्स है तीन टाइप का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है जो कि हम लोग फिजिकली उसको देख पा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली देख पा रहे हैं, केमिकली हो सकता है बायोलॉजिकल वे के अंदर कि उसका कोई डाइजेशन अफेक्ट कर रहा है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो भी प्रोसेस बायोलॉजिकली कुछ अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉलिटेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। प्लांट्स कैसे कैसे शो कर सकता है, लाइट में हो सकता है, सनलाइट में चेंज आ गया है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी में चेंज आ गया है, वाटर हो गया, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, और कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फीड कर रहे हैं उस प्लांट के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज, फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं क्योंकि कि जो सेंस कर पाते हैं आसपास में एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हुआ है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे फोटो पीरियड का अगर हम एग्जांपल लें, तो फोटो पीरियड मतलब कि टाइम पीरियड लाइट का, ठीक है, कितना लाइट है, जैसे होता है ना कि समर्स में होता है डेज लॉन्ग हो जाते हैं ना, नाइट्स शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, और वाइस वर्सा चलता है विंटर्स के अंदर, ठीक है। तो फोटो पीरियड की कितना टाइम तक सनलाइट किसी को, प्लांट को या एनिमल को मिल पा रही है उसके अगेंस्ट, जैसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कितना सनलाइट है उसके बेसिस पे वो ब्रीडिंग उनकी अफेक्ट करती है।
ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. ह्यूमन बीइंग द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ठीक है, ह्यूमन बीइंग है जिसको खुद का कॉन्शियसनेस होती है. ठीक है, बाकी ऑर्गेनिज्म में इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है एज कंपेरिजन टू ह्यूमन. ठीक है, फिर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. फर्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो हमारे अराउंड हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ये सब देख पाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है, तो डाइवर्स फॉर्म द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अलग अलग डाइवर्स फॉर्म मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, अर्थ पे प्रेजेंट है, उसको हम अर्थ की क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. फिर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की. इट इज सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स को नेम देना, ठीक है, साइंटिफिकली नेम देना, उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर. ठीक है, इनके भी कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट को नेम दिया जाता है. देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. वी ऑल नो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. ठीक है, हम आसपास जो भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो हम हमारी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको नेम दिए देते हैं. दीज लोकल नेम्स आर वेराइव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब ये क्या होता है कि हर लोकल प्लेस के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट का नाम डिफरेंट होगा. ठीक है, प्लेसेस रीजन टू रीजन एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो. सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑल लैंग्वेजेस. ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी प्लांट या जो भी एनिमल है उसका नेम हर जगह, हर नेशन के अंदर कैसा है, हर लोकल प्लेसेस पे कैसा है, ये रिमेंबर रखना, याद रखना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो क्या किया गया. हेंस देयर इज अ नीड फॉर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर का फॉर्मेशन किया गया. तो देखो, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्री एग्जिस्टिंग टैक्सॉन नेम टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऐसा करना कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म फाइंड किया गया तो उसको प्री टैक्सॉन मतलब पहले जो डिस्कवरी हुई थी और पहले उस टैक्सा का नाम जो दिया गया था, उस स्पीशीज का जो नाम दिया गया था, वो उसको असाइन करना. तो वो क्या हो गया है हमारे पास में? आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट इज ICBN. ठीक है, ICBN क्या है? एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN. यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है कि बॉटनिकल है यहाँ पे ICBN में, और यहाँ पे क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. ये कैरोलियस लीनियस ने दिया था, इन साइंटिस्ट ने दिया था. ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज बाय गिविंग ईच अ नेम कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स. ठीक है, अब ऐसा होगा कि कोई साइंटिफिक नेम दिया जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, अब वो दो टर्म्स में जाना जाएगा, एक तो होगा जेनेरिक, ठीक है, सेकेंड होगा स्पीशीज. ठीक है, तो देखो दो कंपोनेंट्स में था, जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पीशीज नेम. ठीक है, कैरोलस लीनियस इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. कैरोलन और लीनियस थे, ये एक टाइप के साइंटिस्ट थे. ठीक है, एक तरीके साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में मतलब दो कंपोनेंट में बता रहे हैं, एक जीनस होगा और एक क्या होगा? स्पीशीज होगा. नेक्स्ट रूल फॉर नोमेनक्लेचर, द बायोलॉजिकल नेम्स आर यूजुअली रिटन इन लैटिन वर्ड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे वो लैटिन वर्ड में लिखे जाएंगे. ठीक है, एंड इटैलिक्स फॉन्ट. ठीक है, अब इटैलिक्स फॉन्ट पे लिखे जाएंगे, है ना. अब हम कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होगी उसमें तो इटैलिक्स लिख सकते हैं, बट हम खुद जब राइट कर रहे होंगे किसी पेपर पे, लिख रहे होंगे तो नहीं लिख सकते. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस जो भी फॉन्ट होगा उसके नीचे क्या कर लेंगे, उस नेम के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेन्स टू पार्ट्स. फर्स्ट वर्ड इज जीनस. ठीक है,
सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जैसे जीनस को हमने क्या बोला था, जेनेरिक नेम बोला था ना, तो वैसे जीनस भी बोल सकते हैं, है ना, और स्पीशीज है उसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। जीनस नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, हम जब जीनस लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड होगा वो, ठीक है। अब वो फर्स्ट वर्ड हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम स्पीशीज लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। बायोलॉजिकल नेम इज और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हम लोग इटैलिक्स क्यों यूज करते हैं, ताकि बता सकें कि हाँ ये लैटिन ओरिजिन के अंदर है। एंड अंडरलाइन, अगर हम लोग पेपर पे लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें हम अंडरलाइन कर देंगे व्हेन इट इज हैंड रिटन, ठीक है, हाथ से लिख रहे हैं तब। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, है ना, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अदरवाइज ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो इसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके जैसे एग्जाम्पल है, ये हम याद कर सकते हैं होमो सेपियंस, ठीक है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। अब जैसे पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, है ना, तो आपने नोटिस किया इसको क्या, फर्स्ट लेटर जो जीनस है ना, इसको हमने किस में लिखा, कैपिटल में, और स्पीशीज को लिखा एस स्मॉल के अंदर, ठीक है। फिर हम क्लासिफिकेशन बात करें कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, मैंने आपको बोला मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है हमारे आसपास, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे अर्थ पे, ठीक है, तो सबको एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उनको क्लासिफाई किया गया सर्टेन ऑर्डर्स के अंदर, सर्टेन मतलब कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको क्या किया, कैटेगराइज्ड किया, ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। टेक्सोन द साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट यूज्ड इन द साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, साइंटिफिक नेम जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिविंग नेम्स ऑफ दीज ग्रुप्स, ठीक है, उनको कि भाई सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ले लिया, उनके अंदर क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, फिर उन कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, हम लोग नेम दे रहे हैं। तो ये जो साइंस है, ये स्टडी ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है, हम किस में पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। कैरोलस लीनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होते हैं, कैरोलस लीनियस होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, पहले हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं कि क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कौन सी सिमिलैरिटी प्रेजेंट है, डिससिमिलैरिटी प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रीवियस डिस्कवर्ड किसी टेक्सोन से बिलोंग करता है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैटेगराइज करके अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, फिर उनको नेम दिया जाएगा, साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, इस टर्म का सेंस मतलब क्या है, सिस्टेमा लैटिन वर्ड से लिया गया है, इस वर्ड का मतलब है कि हम जब उन ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द रिलेशनशिप अमंग द लिविंग थिंग्स थ्रू द टाइम, ठीक है। अब इनका डाइवर्सिफिकेशन करना, इनको डिवाइड करना, डिफ्रेंशिएट करना लिविंग बींग्स को किसके बेसिस पे, कि पहले कैसे प्रेजेंट थे, उनके अंदर क्या इवोल्यूशन हुआ, अभी किस तरीके से हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उस पर। लीनियस यूज द सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की. क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ द स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. ठीक है, हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे ना, जिसके अंदर क्या होगा, कैटेगराइज किया गया होगा. ठीक है, डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी के बेसिस पे. तो ये क्लासिफिकेशन है. वेरियस स्टेप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन हायरार्की, हायरार्की के बेसिस पे होगा कि फर्स्ट क्या है ना, सेकेंड हम पढ़ेंगे अभी फाइलम. ठीक है, ये सब कुछ पढ़ेंगे अभी. तो इनको अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ईच लेवल इन द हायरार्की रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे हम ऊपर ग्रो करते जाएंगे है ना, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशीज की. अभी हम ये क्या लीस्ट लेवल पे बात कर रहे हैं. ठीक है, लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है. ठीक है, यहाँ पे तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन विच द इंडिविजुअल कैन इंटरब्रीड. स्पीशीज में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व करते हैं जो कि आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, है ना. मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैव लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसमें जो स्पीशीज में जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर सिमिलर, मोर सिमिलर, बाकी की कैटेगरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा सिमिलरिटीज हम देख पाएंगे. एग्जांपल ले रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका क्या हो गई, इसकी स्पीशीज हो गई. जैसे सोलेनम ट्यूबारसम है पोटैटो का नाम, है ना, तो ट्यूबारसम इसकी क्या हो गई, स्पीशीज हो गई. पैंथेरा लियो, तो लियो क्या हो गई, इसकी स्पीशीज हो गई. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनस की. अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस. एग्जाम्पल इज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल. ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है सोलेनम. ठीक है, लायन, लापर्ड और टाइगर, ये भी एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, इसको अपन बोलते हैं पैंथेरा. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली की. अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड फैमिली. क्लोजली रिलेटेड जेनरा जो होंगे, जीनस जो कि क्लोजली रिलेटेड है, वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, फैमिली के अंदर. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. ठीक है, जो भी स्पीशीज प्लांट स्पीशीज के बीच में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव बेसिस पे सिमिलरिटी है, उनको हम पढ़ते हैं फैमिली के अंदर. थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया, दटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. तीनों जो भी हमने अभी जीनस पढ़े, इन तीनों को हम किस में फैमिली में पढ़ते हैं, सोलेनेसी के अंदर. फिर हम बात करते हैं अगर एनिमल की बात करें, है ना, पैंथेरा जीनस फैलिस बिलोंग्स टू द फैलिडी. ठीक है, फैलिस किसकी है, कैट की है, है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर की. क्लोजली रिलेटेड जो भी फैमिलीज होगी वो हम पढ़ेंगे ऑर्डर के अंदर. ऑर्डर और अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स. जो भी कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर्स वाले होंगे, उनको एग्रीगेट करके हम इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोविलेसी एंड सोलेनेसी आर पॉलीमोनियल्स. ठीक है, ये ऑर्डर है इसका, है ना. कॉल्मोविलेसी और क्या है, सोलेनेसी जो है पॉलीमोनियल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. फिर एनिमल की बात करें, उन्हीं एनिमल्स की बात करें जो हम स्पीशीज लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, अब फेलिडी और कॉन्सिडी ये सारे किसके अंदर आते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर पढ़ते हैं हम लोग. फिर क्लास की बात करें, है ना, तो ये क्या हो गया, इट इज अ मेजर कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स. वन और मोर रिलेटेड जो ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स में जो सिमिलरिटी होगी उनको हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं. अब जैसे हम लोग लास्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं कार्निवोरा, है ना. क्लास मैमेलिया हैज नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, रोडेंशिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा एक्सेट्रा. ये सारी क्लासेस जो, ये सारे जो भी ऑर्डर्स हैं किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, मैमेलिया क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं. और हम भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैमेलिया से बिलोंग करते हैं. पर इस मेमोरी ग्लैंड जिनके पास में, अब इनके पास में कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कौन से, जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये क्लासेस के अंदर है. फिर हम बात करते हैं फाइलम की. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, है ना. वही पढ़ेंगे कि जो भी क्लासेस एक दूसरे से ज्यादा सिमिलैरिटी रखती हैं, है ना. ग्रुप ऑफ क्लासेस इज इंक्लूडेड इन फाइलम. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स,
मैमल, ये किस फाइलम के अंदर पढ़ते हैं हम लोग? कॉर्डेटा के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लास्ट बात करते हैं किंगडम की। किंगडम, अ ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला आर कॉल्ड किंगडम। एग्जाम्पल प्लांटे, है ना, प्लांटे किंगडम के अंदर हम सारे क्या पढ़ते हैं, जो भी डिविजन्स होंगे प्लांट्स के अंदर वो हम प्लांटे किंगडम में पढ़ेंगे, और एनिमेलिया के अंदर सारे जो भी फाइल आएंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है, जिसको अपन एनिमल किंगडम भी कहते हैं। तो ये हायरार्की होती है। सबसे पहले हमने क्या बात करी, लोअर लेवल पे बात करी थी। तो क्या था, पहले स्पीशीज थी, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइला और डिविजन भी कह सकते हैं। फिर लास्ट फर्स्ट जो हायरार्की में सबसे फर्स्ट है वो क्या है, किंगडम। हाँ, तो फिर हम स्पीशीज के बेसिस पे या अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के एग्जांपल्स लेते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो क्या होगा, इसमें जीनस होगा, होमिनिडी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। फिर ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है ऑर्डर इसका, प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया एंड फाइलम। और डिविजन की अगर बात करें तो क्या होगा, कॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस फ्लाई की। तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का इसका क्या होगा, जीनस, मस्किडी फैमिली से बिलोंग करता है। डिप्टेरा इसका ऑर्डर, फिर इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है, और आर्थ्रोपोडा डिविजन या फिर फाइलम से बिलोंग करता है। फिर हम मैंगो की बात करें, प्लांटे से किंगडम से बिलोंग करते ही हैं, ठीक है। इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। मैंजीफेरा इसकी जीनस है और इंडिका इसकी स्पीशीज है, ठीक है। एनाकार्डियासी फैमिली से बिलोंग करता है, एनाकार्डियासी से। और इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है सेपेंडेल्स, ठीक है, और डाइकोटिलेडनी क्लास होती है इसकी। फाइलम की अगर आप बात करें तो एंजियोस्पर्म फाइलम से बिलोंग करता है। वीट, वीट भी प्लांटे किंगडम से बिलोंग करता है। क्रिटिकम एस्टिवम होता है इसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम की बात कर रहे हैं। ट्रिटिकम इसका जीनस, एस्टिवम इसका स्पीशीज। फिर हम लास्ट बात कर रहे हैं कि इसकी फैमिली पोएसी होती है, पोएल्स ऑर्डर होता है, ठीक है। मोनोकॉटिलेडनी से क्लास से बिलोंग करता है, और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम या डिविजन होता है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द क्लास।